हेलो दोस्त, एलपीएन टेक्नीशियन CBT 2 ट्रेड एग्जामिनेशन के लिए है। वीडियो नंबर 21 है और वीडियो नंबर 21 है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक प्लस रेडियो एंड टीवी मैकेनिक्स का है। तो कुछ लोग पूछेंगे कि 20 वीडियो कहाँ गया, तो 20 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे प्लेलिस्ट से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं बाकी के वीडियो। और यहाँ हम बात करने वाले हैं एंटीना की, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसे छतरी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल लीजिए, काम एक ही है, एंटीना हो या छतरी हो, काम है कम्युनिकेशन का, और इसे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना। तो सबसे पहले यहाँ क्लियर कर दिए, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना में डिफरेंस नहीं होता है, जैसा उसको काम के लिए लगाएंगे वैसा काम करेगा, यानी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना दोनों बदल सकते हैं लोकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके टर्म में बात करेंगे कि क्या क्या टेक्निकल टर्म होता है, पावर गेन वगैरह क्या होता है, और टाइप ऑफ एंटीना बात करेंगे, जिसमें 12 से 14 टाइप के एंटीने होते हैं, सभी का डिस्कस करेंगे। और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या क्या होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है, क्या काम करता है, क्या वेव लेंथ होता है, किस पे यूज होता है, उसके बारे में टाइप ऑफ एंटीना में बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी परीक्षा में उपयोगी है, हम यहाँ एलपी और टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं CBT 2 का। आप गेल, बेल, जेल, DMRC जितने भी एग्जामिनेशन देंगे सभी में ये कम्युनिकेशन का चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटीना। तो चलिए इसमें बने रहिए इस वीडियो में। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे एंटीना की टर्मिनोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं कि एंटीना के होता क्या है। तो कई लोग क्या कहेंगे कि जो ऐसे लंबे लंबे खंभों में पिलर गड़ी होती है, इसी को एंटीना बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एंटीना नहीं होता, एंटीना इसमें लगे हुए मेटेलिक पार्ट को बोलते हैं, बहुत सारे आपको व्हाइट कलर या कुछ कलर का दिखता होता है, और इसे बोलते हैं टावर। तो टावर में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि टावर ही एंटीना है। इस टावर पे एंटीना को एलिवेशन यानी हाइट प्रदान करने के लिए टावर लगाया जाता है, और एंटीना छोटे से पार्ट होता है। तो ये नहीं कहिएगा कि इलेक्ट्रिकल टावर जैसा है वही एंटीना है। तो एंटीना की साइज बहुत छोटी होती है, टावर की साइज बहुत बड़ी होती है, ये कंसेप्ट है। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और कम्युनिकेशन या रेडियो टीवी इंजीनियर की बात करेंगे, तो इस टर्म में बात करेंगे कि एंटीना होता क्या है। तो सबसे पहले एक बेसिक एंटीना की बात करते हैं, जो आज से पहले दूरदर्शन या टीवी के लिए चला करता था। आज के दौर में रेंज बढ़ गया है, जिसलिए एंटीना जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस जमाने में जब एंटीना की शुरुआत हुई थी, और एंटीना कैसा हुआ करता था। तो आप देखे होंगे एक ऐसी सी संरचना बनती थी, और उसमें एक यहाँ पे एक लगता था, और उसके आगे दो या तीन छोटे छोटे रिफ्लेक्टर लगे हुए होते थे। तो इस टाइप के संरचना देखे होंगे, और ये किसी खंभे के द्वारा हम इसे खड़ा कर देते थे, किसी दीवार या किसी सहायता के साथ इसे खंभा पे खड़ा कर देते थे, और ये बीच वाले पार्ट में हमने केबल द्वारा जोड़ दिया करते थे, जिसे केबल कहते थे। वो टीवी में प्लग हो जाता था, आपके टीवी से प्लग इन हो जाता था। तो कंस्ट्रक्शन ये आपको सबको याद होगा ये एंटीना का। तो इसमें इस पार्ट को आप ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट वाले को बोलते थे रिफ्लेक्टर, सॉरी इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर। और रिफ्लेक्टर की साइज 5% बड़ा होता है कम से कम, किससे, इस वाले से। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं डायरेक्टर, जिसमें हम एक्चुअल कंडीशन सप्लाई जोड़ते हैं एंटीना की, और उसके बाद जो आगे होता है, सॉरी डायरेक्टर बोले यहाँ पे, इसे बोलते हैं ड्राइवन, इसे मैं एक बार इरेज कर दूँ, इसे बोलते हैं ड्राइवन यूनिट। तो इसे बोलेंगे हम ड्राइवन यूनिट, जिसमें हम पावर लगाते हैं। तो ये हो गया ड्राइवन, एक्चुअल यूनिट है जिसमें हम पावर को कनेक्ट कर रहे हैं टीवी से जोड़ने के लिए, और इसे एलिमेंट के टर्म में लिखते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाले होते हैं उसे डायरेक्टर बोला जाता था, और ये मैक्सिमम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाता था, जिस डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्शन उसको रोकने का काम करता था। और ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर का काम कितना छोटा होता था मेन ड्राइवर एलिमेंट से, तो ये भी 5% करीब करीब छोटा होता था, जिससे सिग्नल केवल इस डायरेक्शन में जा सके। तो ये एंटीना का बेसिक कंसेप्ट है। और टेक्निकली एक टर्म और एंटीना का देखना चाहेंगे, तो एंटीना कुछ इस तरह के होता है, जिसमें सिग्नल आप जनरेट करके आप Z0, ध्यान दीजिएगा इसे Z0 बोले हैं रेजिस्टेंस के टर्म में, और उसके बाद ये एंटीना को खाली स्थान छोड़ के, फिर खाली स्थान छोड़ के दूसरे जगह में हम कहीं पे इसे सिग्नल को छोड़ देते हैं।
इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन एंटीना, और दूसरे साइड एक एंटीना होता है जो इसे कैच करता है, या इस डायरेक्शन में कह सकते हैं इसे कैच करता है सिग्नल को, और इसकी रेजिस्टेंस होती है जेड जी या जेड सी या जेड रिसीव कह सकते हैं, और इसमें होता है लगा हुआ सोर्स या लोड कह सकते हैं लोड, और इस एंटीना को बोलते हैं रिसीविंग एंटीना, और ये दोनों के बीच डिस्टेंस 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 1000 किलोमीटर यानी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट जगह पे हो सकती है। तो इस टाइप के एंटीना का कंसेप्ट है, यहाँ होती है मीडियम, ये है एंटीना, लेकिन हमारा एक्चुअल कंसेप्ट था कि एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न शुरू होता है एंटीना का, तो एंटीना एक क्या है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, आपको याद रखना है, वायर हो सकता है और ग्रुप ऑफ वायर, बहुत सारा वायर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यूज किसके लिए करते हैं, कपलिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग इन स्पेस लिंक, जो खाली स्थान स्पेस लिंक होता है दोनों का कपलिंग यानी जोड़ने का काम करता है, यानी हम कह सकते हैं जो हमने सिग्नल यहाँ लगाया उस सिग्नल को रिसीव करने का काम रिसीविंग एंटीना, और जो भेजने का काम करेगा वो ट्रांसमिटिंग एंटीना, और इसी का कपलिंग को पूरी प्रोसेस कहते हैं एंटीना का प्रोसेस, यही काम है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिशन साइड में आपका सोर्स होता है और रिसीविंग साइड में आपका लोड होता है या जिस पे आपको कनेक्ट करना होता है, ये एंटीना का कंसेप्ट है। उसके बाद एंटीना है क्या, तो जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए कि एग्जाम में लैंग्वेज क्या, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, कन्नड़ होगा, बंगाली होगा, तेलुगु होगा, वैसे ही एंटीना दो ही लैंग्वेज समझता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझता है, ये दोनों बात को ही केवल समझता है, और ये दोनों को कन्वर्सन भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में, यही एंटीना का मेन पर्पस है, कन्वर्सन प्लस रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, और कोई पूछ दे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों को करता है। तो वेव के बारे में अब चाहेंगे कि वेव क्या होता है, तो इसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें बोलते हैं वेव प्रोप्रेग्रेशन, वो अलग सी टॉपिक है, उसको अलग से हम बात कर लिया करेंगे, उसमें आपका पोलराइजेशन के अलग अलग टाइप आएंगे, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल वगैरह वगैरह, तो उसको बाद में, लेकिन हम एंटीना के सिग्नल का है, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसमें हम एंटीना की दूसरी बात पे करेंगे। तो एंटीना की शुरुआत यहाँ से, रिजोनेंट एंटीना और नॉन रिजोनेंट एंटीना। तो हम एंटीना में रिजोनेंट टर्म हमने पढ़ रखा है LC सर्किट में, RALC सर्किट सीरीज पैरेलल रिजोनेंस, तो उस कंसेप्ट को आपको याद होगा ही, लेकिन यहाँ एंटीना के टर्म में बात करेंगे। तो रिजोनेंट का टर्म ऐसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है, इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी होती है और इधर की तरफ पे इम्पीडेंस होता है, एक कहीं नहीं आपको इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस छोड़ने वाला है, जिसे जेड के टर्म में बोलते हैं, और जेड बराबर आपने पढ़ ही रखा था अंडर रूट वाला परकुला, वो सब छोड़िए, लेकिन एक होती है रिजोनेंट। रिजोनेंट कंडीशन अगर यहाँ पे है FC जिसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं, और इसके अगर लेफ्ट और राइट दो कंडीशन होते हैं, तो लेफ्ट राइट की कंडीशन को आप याद रखिएगा, अगर लेफ्ट कोई प्रोग्रेशन जा रहा है तो इसे बोलते हैं हम कैपेसिटिव, और इधर राइट की तरफ जाता है तो इसे बोलते हैं इंडक्टिव, और जो सेंटर में होता है वो रिजोनेंट, और जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है या उस पर काम करता है एंटीना, उसे रिजोनेंट एंटीना बोलते हैं, और जो आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव बोलता है उसे नॉन रिजोनेंट बोलते हैं। बेसिक ITI लेवल पे इतना ही चाहिए, बाकी इसके लिए और भी कंसेप्ट है, मैं थोड़ी सी बता दूं, अगर कोई एंटीना इस तरफ से प्रोग्रेशन कर रहा है, इस टाइप से उनकी लॉबिंग इस टाइप से होती है, यानी अगर सिंपल में मान ले तो एक एंटीना ऐसा है जिसका एक डाइपोल इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो इस टाइप के एंटीना को हम बोलते हैं रिजोनेंट एंटीना, लेकिन अगर इसी में किसी इधर डायरेक्शन किसी इधर कोई अनयूजुअल है तो उस टाइप के प्रोग्रेशन को बोलते हैं नॉन रिजोनेंट एंटीना का प्रोग्रेशन। तो कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट से क्वेश्चन रिजोनेंट और नॉन रिजोनेंट में पूछेगा तो किसी एंटीना का नाम होगा, यानी किसी एंटीना यागी उडा का दे दिया एंटीना का नाम उसके साथ, या हॉर्न एंटीना दे देगा, वो किस टाइप का एंटीना है तो बताना होगा रिजोनेंट और नॉन रिजोनेंट, लेकिन टॉपिक आप याद रखिएगा तभी आपको आगे काम आएगा। उसके बाद हमारे पास था दो एंटीना का इम्पीडेंस और रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीना इम्पीडेंस बहुत जरूरी होती है,
तो ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इम्पीडेंस एंटीना शुड बी इक्वल ऑफ द इम्पीडेंस। तो आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का कंडीशन इसमें एंटीना के केस में है क्या है, एंटीना का इम्पीडेंस, ये पहले आपने लिख लिया एंटीना का इम्पीडेंस बराबर क्या होना चाहिए आपका ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस। उस कंडीशन में क्या होगा, पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा और एंटीना इम्पीडेंस जेड के टर्म में होता है, जो हमने पहले ही बात कर लिया है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों को हम जोड़ के करते हैं। उसके बाद रेडिएशन रेजिस्टेंस, जिसे आर आर ए डी रेजिस्टेशन रेजिस्टेंस ऑफ रेडिएशन यानी रेडिएशन रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं, और इस कैलकुलेशन किस लिए किया जाता है, ये एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेडिएशन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका ट्यूनेड सर्किट के टर्म में होता है, एसी ट्यूनेड सर्किट आपने पैरेलल और सीरीज सर्किट पढ़ा होगा उसी का टर्म होता है, और इसमें पैरेलल ट्यूनेड सर्किट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर रेडिएशन रेजिस्टेंस के टर्म आ जाए तो ये क्या होता है, पैरेलल ट्यूनेड सर्किट, ये आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट याद रखना है, यही क्वेश्चन हो सकता है, और ये डीसी नहीं होके एसी की तरह काम करता है रेडिएशन रेजिस्टेंस। इसका यूज हम करेंगे इफिशियंसी कैलकुलेशन में, तो उसके लिए हम अगले टॉपिक में चलेंगे। तो यहाँ पे है एंटीना पावर गेन और डायरेक्टिव गेन। तो एंटीना पावर गेन सब कोई जानता है, गेन बराबर आपको पता ही होना चाहिए आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये गेन के टर्म में आता है, ये केवल सिंपल वे में है, और गेन बहुत और अलग अलग टर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये रखना है एंटीना से जो पावर डिलीवर कर रहा है किस लिए, डायरेक्टिव के टर्म में, एक डायरेक्शन में किसी को एंटीना का स्क्वायर करेंट हिट पॉइंट से आगे की तरफ जो बढ़ता है, और इसके एंटीना का रिफरेंस एंटीना के पावर, लोकल पावर सब्जेक्टेड टू एंटीना प्रोड्यूस टू सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन द सेम डिस्टेंस अलोंग दी लाइन मैक्सिमम रेडिएशन द गेन यूजुअली एक्सप्रेस इन डीवी, इन डेसीबल में इसे डिनोट करते हैं गेन को, तो ये याद कर लीजिएगा डेसीबल बिल्स, सॉरी डेसिबेल्स में आपका ये आता है और डीबी से डिनोट करते हैं, तो ये भी आपका है। उसके बाद एंटीना इफिशियंसी, तो एंटीना इफिशियंसी में अभी हम रेडिएशन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे और इसे एन द्वारा डिनोट करते हैं, और परसेंटेज के टर्म में नहीं हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो आर रेडिएशन, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस की बात अभी हमने किया था, डिवाइडेड बाई आर रेडिएशन प्लस आर डी। तो यहाँ दो टर्म आगे, एक टर्म आर रेडिएशन जिसकी हमने पहले ही रेडिएशन रेजिस्टेंस की चर्चा कर लिया है, और आरडी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस में जो लॉस एंटीना में होता है उसका रेजिस्टेंस के कार है, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल इसे कैलकुलेट करने के लिए दिया दिया जाएगा, आरडी और आरएडी आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको एंटीना की इफिशियंसी कैलकुलेशन करना है और सिंपल सा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा पूछ दिया जाता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में इफिशियंसी, तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखा होगा, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों में एंटीना की इफिशियंसी अलग अलग होती है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर लो फ्रीक्वेंसी के एंटीना है तो इसकी इफिशियंसी 80 से 85% के बीच में होती है, ये भी आपको कंसेप्ट है और एक क्वेश्चन है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना है या वैल्यू हाई अप्रोचिंग हायर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे एंटीना की एफिशिएंसी 100% तक भी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली 98-99% तक होती है। तो इलेक्ट्रिकल में हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो एंटीना की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है, टॉपिक को आपको कंसेप्ट से जोड़ के पढ़ना है, तो लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी के दोनों के टर्म में आ गया। उसके बाद एंटीना में हम पढ़ेंगे तो एंटीना की बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ के बारे में आप जानते ही है, दो पॉइंट पे जो रेफरिंग रेडिएशन पैटर्न है उसमें इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एंटीना के टर्म में बात करते हैं, और हाफ पावर पॉइंट इसको मापते हैं, हाफ पावर पॉइंट पे इसको नापा जाता है, और रेफरेंस ऑफ किसकी होती है, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की होती है। तो हमने बैंडविथ बात किया था, माइक्रोवेव का अलग बात किया था, लो फ्रीक्वेंसी का बैंडविथ बात किया था, हाई फ्रीक्वेंसी की हमने
रेंज बात किया था, तो रेंज से ही बैंडविथ मिलती है। तो ये बैंडविथ टर्म याद रखिएगा, जिससे हम आगे जब हम पढ़ेंगे हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये करना होगा। और इसकी अगर बैंडविथ जानना हो तो पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है। उसके बाद बैंडविथ का ही दूसरे टर्म में, यहाँ दोनों बैंडविथ ही आ गया, लेकिन एक होता है बीम विड्थ, बिंद बीम की चौड़ाई। अगर यहाँ पे बीम विड्थ ही होना चाहिए था, ये इसे हम एक बार लिख देते हैं आपको, बीम विड्थ, बीम की चौड़ाई। तो ये डायरेक्शनल डायरेक्टिव एंटीना का पार्ट है। मेजर इन डायरेक्टिव एंटीना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट ऑफ मेजर लोब रेडिएशन। तो बीम विड्थ अगर एंगुलर करते हैं, किसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन होता है, तो उसके टर्म में इसको नापा जाता है। और डिस्टेंस होता है वन हाफ ऑफ रिसीविंग, तो 1/2 वेव लेंथ बाई 2 कह रहे हो, उसके रिसीविंग डिस्टेंस से इसको नापा जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ रेडिएशन पैटर्न लॉन्ग टर्म यूज एंड फ्रिक्वेंसी इन नैरो बीम एंटीना देन अदर देन रेफर मेन लोब्स। तो लोब्स के टर्म में इसको नापा जाता है। तो इसको केवल कंसेप्ट आपको बैंड करना है, और ये डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ITI में जान दीजिएगा केवल बीम, ये बैंडविड्थ और बीम विड्थ क्या है। उसके बाद अगला टर्म था पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के टर्म में एंटीना का आगे जाता है, और ये एक्चुअली होता है वेव प्रोपेगेशन का पाथ आता है पोलराइजेशन, लेकिन एंटीना की सारी सिग्नल पोलराइजेशन के द्वारा जाता है, तो इसलिए यहाँ पढ़ना है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपको पढ़ना है। तो हॉरिजॉन्टल के टर्म में अगर कहें, तो कोई अगर ऐसा वेव है, तो वेव कैसा किस सर्किल में, इस सर्किल में गुजरता है, तो इसमें एक क्या होता है इलेक्ट्रिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने शुरू में ही बात किया एंटीना दो ही टर्म में पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल वेव इस डायरेक्शन में है, तो इस टाइप के एंटीना को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। और हॉरिजॉन्टली पोलराइज में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है अर्थ सर्विस का। ध्यान दीजिएगा किसके सर्विस का हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के पैरेलल होगा। यानी कह सकते हैं अगर हमारा ये पृथ्वी है, और इसे पृथ्वी को हम इस डायरेक्शन में रखें, और जो हमारा डायरेक्शन इस तरह है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में होगा, ई डायरेक्शन में होगा। और इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, एच होगा। इस टाइप के प्रोपेगेशन को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटली प्रोपेगेशन। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये एक्चुअली काम किया जाता, इस पर जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसी और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो हॉरिजेंटल पोलराइजेशन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि वर्टिकल पोलराइजेशन में क्या होता है, मैन मेड नॉइज प्रजेंट आ जाता है, जिसके कारण से नहीं यूज करते हैं। लेकिन वर्टिकल पोलराइजेशन की बात करेंगे, तो इसमें हम यूज करते हैं जब इसकी इलेक्ट्रिकल वेव पृथ्वी के वर्टिकल हो, ध्यान दीजिएगा, और मैग्नेटिक वेव पृथ्वी के पैरेलल हो। तो इस टाइप के पोलराइजेशन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। और इसको यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी में, ये भी आपको करना है। और लो फ्रीक्वेंसी में इसलिए करते हैं कि इसमें टावर की हाइट बहुत बढ़ा दिया जाता है। तो आपने टावर की हाइट पढ़ लिया होगा, टावर हाइट डिपेंडेंट वीडियो नंबर 15 में था कि टावर का हाइट बड़ा छोटा क्यों किया जाता है। तो जितने भी लो फ्रीक्वेंसी के एंटीना होते हैं, उसकी टावर की हाइट बढ़ा दिया जाता है, जिससे एंटीना की हाइट इफेक्टिव हाइट बढ़ जाती है। और हाइट बढ़ने के कारण से उसमें मैन मेड नॉइज का इंटरफेस थोड़ा कम आ जाता है, लेकिन इसकी वेव पोलराइजेशन वर्टिकल करना पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक है एक एक करके। उसके बाद हमारा पास आ गया फ्रंट टू बैक रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे FBR लिख दिया जाएगा, और आपसे पूछ दिया जाएगा FBR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रंट टू बैक रेशियो इसे बोलते हैं। और ये होता है एंटीना, इट इज कवर विच एंटीना कैपेबल फॉर रिसीविंग सिग्नल इफेक्टली नहीं, और कहाँ कहाँ, रिसीविंग इन फ्रंट, रिसीविंग इन बैक, सिग्नल का जो रेडिएशन पावर है वो कहाँ कहाँ तक रेडिएट कर रहा है, फ्रंट में और बैक में, इस रेशियो को बोलते हैं फ्रंट टू बैक रेशियो। और इन फ्रंट यानी फ्रंट साइड, यानी कह सकते हैं सामने की तरफ, और
बैक को कह सकते हैं, पीछे की तरफ की दोनों को रेशियो को बोलते हैं फ्रंट टू रेशियो। अगर इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपको सीधा ये आ जाएगा ये बी आर का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद इफेक्टिव इफेक्टिव एरिया ऑफ कैप्चर एंटीना, तो कहते थे ना पहले, हम अभी भी कहते हैं कि रेडियो मोबाइल का हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये सब लोग बोलते हैं। ये किस कारण से होता है? जब आपका एरिया किसी के भी नेटवर्क के एरिया में नहीं है आप, तो आपके मोबाइल या टेलीफोन या रेडियो किसी में क्या होगा, सिग्नल नहीं आएगा। तो उसी के टर्म में है इफेक्टिव एरिया ऑफ कैप्चर, जहाँ तक आपकी सिग्नल रिसीव हो रही है उस जगह तक को बोलते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ कैप्चर सिग्नल। यानी कह सकते हैं ये एंटीना हमारा है, एंटीना अगर लगा हुआ है यहाँ पे दिल्ली में और इसकी सिग्नल जा रही है गुड़गांव तक, तो कह सकते हैं दिल्ली से गुड़गांव इज इफेक्टिव सिग्नल ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटीना लोकेटेड इन दिल्ली। तो ये कंसिडर है कि आपको जहाँ तक उसकी सिग्नल हो सकती है, और ये इफेक्टिव एरिया 1 किलोमीटर भी हो सकता है, आधी किलोमीटर भी हो सकता है, नहीं तो हजारों और थाउजेंड किलोमीटर भी हो सकता है उस एंटीना के टाइप में। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो सैटेलाइट का इफेक्टिव एरिया कितनी होती है? पूरी पृथ्वी भी होती है, 3 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को कवर कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा एंटीना जितना बड़ा हाइट, और सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। और एक मेरे प्यारे दोस्तों ने बोला आप जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, एंटीना की हाइट सैटेलाइट की हाइट 3600 किलोमीटर होती है। तो चलिए कोई नहीं, कंसेप्ट है, हो सकता है हमसे गलती हो रहा है या मेरे प्यारे दोस्त गलत कर रहे हो, तो एक बार आप बुक से कंफर्म हो ले 36,000 होती है। तो इस टाइप के एंटीना है, जितना बड़ा एंटीना उतना ज़्यादा बड़ा इफेक्टिव एरिया या कैप्चर एरिया बढ़ते जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा जितने भी हमने बात किया है। और एंटीना की लॉस के बारे में, जैसे ट्रांसफार्मर की लॉस बात करते हैं, तो यहाँ हम ट्रांसफार्मर की नहीं एंटीना की हानियाँ की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी ओमिक लॉस होता है, ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सी लॉस एंटीना की नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये होता है, ये होता है वो दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ होता है तो वो नहीं होता है। तो डायरेक्ट्रिक लॉस होता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में होती है। और ये IIR जिसको I²R लॉस बोलते हैं, या ओमिक लॉस में भी ट्रांसफार्मर में आता था, लेकिन यहाँ ये अलग टाइप से लॉस को डिनोट होता है। उसके बाद लीकेज लॉस इन इंसुलेशन है, लॉस इन अर्थ कनेक्शन में है। अर्थ कनेक्शन जब हम पढ़ेंगे ग्राउंडेड एंटीना, तो उसमें ग्राउंडेड एंटीना में एंटीना को टावर के साथ साथ लाके पृथ्वी को भी मिरर इमेज बना दिया जाता है, जिससे अर्थ में भी एंटीना का कुछ पावर लॉस होता है। और अनग्राउंडेड एंटीना में ये पार्ट नहीं होता, पांचवा। तो ध्यान दीजिएगा, सब अलग अलग टॉपिक है लेकिन ये पूरा होल कंसेप्ट में है कि इतने टाइप के लॉस होते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ एंटीना आ गया, और ये यहाँ से शुरू होता है एंटीना का क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पोजीशन और सबसे अच्छा एंटीना। तो हमने यहाँ शुरुआत है आपके पास टाइप ऑफ एंटीना, एंटीना के प्रकार। तो यहाँ हम 14-15 टाइप के एंटीना बात करेंगे, जितने होगा उसको कर लेंगे, और कुछ एंटीना कंबाइंड में होता है उसकी कंसेप्ट हम साथ के साथ डिस्कस करते चलते हैं आपके साथ। इसका कोई प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले है ग्राउंडेड एंटीना, अनग्राउंडेड एंटीना। अनग्राउंडेड मतलब आपका एक ट्रांसमिशन लाइन बना हुआ है, और इस ट्रांसमिशन लाइन में जो एंटीना है वो किसी पार्ट से टच नहीं है, डायरेक्टली इसमें कनेक्शन आप वायर द्वारा कर देते हैं, और इसकी सिग्नल को आगे इधर सप्लाई सिग्नल से जोड़ देते हैं और ये आगे रेडिएट करता है। इस टाइप के एंटीना को अनग्राउंडेड एंटीना बोलते हैं। और अनग्राउंडेड एंटीना किसके तरह काम करता है? एरे ऑफ टू एंटीना की तरफ काम करता है। तो ये अनग्राउंडेड एंटीना है। और उसके बाद दूसरा ग्राउंडेड एंटीना है, जब इस एंटीना का कोई पार्ट इलेक्ट्रिकली ग्राउंड यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो इस टाइप के एंटीना को ग्राउंडेड एंटीना बोलते हैं। और ग्राउंडेड एंटीना की हाइट, अगर ये हाइट एन मीटर है, ध्यान दीजिएगा, तो एक्चुअल हाइट 2N हो जाती है, यानी डबल हो जाता है उसकी लेंथ एंटीना की, बढ़ जाती है। और पृथ्वी क्या काम करने लगता है? एक मिरर इमेज के काम करने लगता है एंटीना के लिए, वो मिरर बन जाता है और वो भी एक एंटीना का पार्ट हो जाता है, और यही फंक्शन है।
तो एक मार्कोनी एंटीना जब आप पढ़ेंगे तो ग्राउंडेड एंटीना में कौन कौन से आएगा, तो एक मार्कोनी और एक हार्टीजियन एंटीना की बात होती है जिसकी वेव लेंथ y/4 होती है, तो ये एंटीना ग्राउंडेड एंटीना होती है। लेकिन इसी एंटीना में एक बात और आ जाता है और सबसे ज़्यादा बार प्रश्न आता है, टॉप लोडिंग। ग्राउंडेड और नॉन ग्राउंडेड एंटीना में एक सवाल आता है टॉप लोडिंग का, ये किस लिए किया जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो टॉप लोडिंग किया किस लिए किया जाता है, याद रखिएगा, इंक्रीज ऑफ एंटीना इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव हाइट को बढ़ाने के लिए टॉप लोडिंग किया दिया जाता है, जिसमें इंक्रीज एंटीना ट्रांसमिशन लाइन को टॉप में जोड़ दिया जाता है। और इससे क्या होता है, इंक्रीज ऑफ हाइट बढ़ेंगे तो एंटीना की इफिशियंसी इफेक्टिव लेंथ के टर्म में बढ़ जाती है। तो ये मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंटीना इफिशियंसी है और इसमें क्या बढ़ जाता है, आपका इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाता है। तो टॉप लोडिंग का कंसेप्ट आपको पता हो गया होगा। उसके बाद हम अगले एंटीना की बात करेंगे, यहाँ पे है हाफ वेव डिपोल। तो हाफ वेव डिपोल आप वेव से पता ही था, वेव किसे बोलते हैं, लेमडा को, और हाफ वेव की बात करेंगे तो y/2 होगा। तो जहाँ ये टर्म मिलेगा वो समझ लीजिएगा हाफ वेव है, और जहाँ y/4 मिले तो ये क्या है, क्वार्टर वेव। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और एंटीना मैक्सिमम y/4 का बन सकता है या y का बन सकता है, y/2 का बनता है, यानी तीन टाइप के एंटीना बन सकते हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस टाइप से फंक्शन में तीन टाइप डिफाइंड होगा। उसके बाद हाफ वेव की हमने बात कर लिया, y/2 होता है, और ये रेडिएशन रेजिस्टेंस इसका याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो प्रश्न आता है रेडिएशन रेजिस्टेंस इसका पूछ दिया जाएगा कितना होता है। तो आपको सीधा आंख बंद करके 72 ओम डाल देना है आंसर में। इसकी ये प्रश्न आती है डायरेक्टिविटी, जो हमने पहले ही बात कर लिया है गेन के साथ कि डायरेक्टिविटी क्या होता है, 1.64 किसके तरफ में, आइसोट्रोपिक एंटीना का। उसके बाद हमने जो टर्म बात किया था बीम विड्थ, जो बीम की चौड़ाई होगी वो क्या होगी, तो ये होगी 78 डिग्री। तो ये डिग्री पूछ लेगा कभी, बीम विड्थ किस में दिया जाता है, तो डिग्री में होता है, ये भी बताना होता है। और इस एंटीना में पोलराइजेशन किस टाइप का होता है, तो ये बताना है आपको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का होता है रेडिएशन का। तो ये हमारा ये कंसेप्ट है। तो यहाँ एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न हाफ वेव डाइपोल से आ सकता है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, बस इससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं आएगा, आएगा तो इसी प्रश्न को घुमा घुमा के पूछ दिया जाएगा। उसके बाद आपको आता है रोम्बिक एंटीना। रोम्बिक एंटीना होता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन और रिसिप्शन, मतलब TS और RX, ट्रांसमिशन और रिसिप्शन दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसकी पॉइंट आएगी कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन आप जानते ही होंगे, अगर A स्थान से सिग्नल भेजना है तो डायरेक्ट B स्थान पे, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में काम आता है। तो ये याद रखिएगा, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस Rin 650 से 700 ओम, सारा प्रश्न है ये आपको करना है। टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस 800 ओम होता है, जो लोड पे उस पे जोड़ता है। और डायरेक्टिव की बात किए थे हमने, तो डायरेक्टिव जो हमने अभी बात किया था हाफ वेव डाइपोल का, उसका 78 डिग्री था। यहाँ पे 20 से लेकर 90 तक कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों टाइप के एंटीना के लिए यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, या लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इनपुट रेजिस्टेंस 650 से 700 ओम होता है, टर्मिनेटेड रेजिस्टेंस 800 ओम होता है, डायरेक्टिविटी या डायरेक्टिव
बीटी के कहें तो 20 से लेके 90 के बीच में कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न रामवीक एंटीना से, बस इतना ही याद करना है। उसके बाद हमारे पास पांचवा एरे है। तो एरे भी 3-4 टाइप का होता है, ब्रॉड साइज, इंड फायर और बाइनोमिकल एरे। तो यहाँ पे हम पहले ब्रॉड साइड एरे की बात कर रहे हैं। तो ये कंसिस्ट नंबर ऑफ डाइपोल इक्वल साइज स्पेस इक्वली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑल डाइपोल फिट दी सेम फेज ऑफ सेम सोर्स। कह सकते हैं कि एक हमारा हमने जो नॉर्मल एक एंटीना बनाया था, तो इसमें हमने इधर रिफ्लेक्टर बनाया था, इधर हमने ये ड्राइविंग एलिमेंट बनाया था और इधर के तरफ डायरेक्टिव बनाया था। लेकिन इसमें देखे थे हमने कि एक बड़ा है, एक छोटा, डाइवेन इमेज से भी छोटा है। लेकिन डाइपोल में क्या होता है, सारा सेम साइज होता है, सारे बराबर साइज होते हैं और सारे में एक ही सप्लाई को जोड़ा जाता है। देख देख सकते हैं, सारे की सप्लाई सेम, सप्लाई सेम फेज, जो सिग्नल हमें भेजना होता है वो सेम फेज का होता है और सेम सोर्स, यानी कह सकते हैं सेम साइज, सेम फेज और सेम सोर्स। जहाँ से सिग्नल आ रहा है उसी सिग्नल को बहुत जगह करते हैं और इससे फायदा क्या होता है, ये बहुत डायरेक्शन में ये फैला देता है। रेडिएशन प्रेस और स्ट्रॉन्गली डायरेक्शनल राइट एंगल प्लेस टू एरे वाइल रेडिएशन लिटिल दी प्लेन। रेडिएशन थोड़ी जगह में करके ये सारे डायरेक्शन में कर देता है। तो ये ब्रॉड साइड एरे का मतलब यही है, एक लाइन को एरे बोलते हैं। ये डिपोल के कंडीशन में, कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, इक्वल साइज का होता है तो ये ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा हमारे पास था इन फायर एरे। तो इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट आर फीड फ्रॉम फेज डिफरेंट कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड करंट। तो इस टाइप के एरे में हम क्या करते हैं, इसमें आपने फीडर वन से सप्लाई दे दिया, दूसरे वाले में फीडर टू से दे दिया, तो इससे अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट फीड हो गया और दोनों का फेज डिफरेंस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यही पूछा जा सकता है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, लेकिन डिफरेंस फेज पूछा जाएगा किस टर्म में, मैग्नीट्यूड यानी परिणाम, मैग्नीट्यूड यानी कह सकते हैं परिणाम अलग होगा और उसकी करंट अलग होगी, इस टाइप से कहते हैं। और ये यूनिडायरेक्शनल टाइप के एरे है। तो पहले वाले हमारा क्या था, डायरेक्शनल था, हम जो बात किए थे पहला ब्रॉड साइड एरिया वो डायरेक्शनल था और ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, ये टॉपिक बस इतना से। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका बिनोमिनल एरे, इसी को हम पहले डिस्कस कर ले। बिनोमिनल एरे में आपको बताना है अरेंजमेंट ऑफ फीड ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट फुट मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू बाइनोमिनल कोफिशियंट एक्टिंग बिटवीन एलिमेंट लेस देन आर इक्वल टू टू। तो ये क्या करता है, वाई बाई टू पे काम करता है या वाई बाई टू से कम पे काम करता है, एक प्रश्न यहाँ से। इसमें रेडिएशन पैटर्न नॉट किसी से लोब से मैच नहीं करता, यानी ये अनडायरेक्शनल और डायरेक्शनल दोनों के बीच का काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा, यही एक प्रश्न है, ना डायरेक्शनल है ना अनडायरेक्शनल है। तो कंसेप्ट ये रखिएगा क्योंकि ये किसी में नहीं है, ये प्रश्न पूछ दिया जा सकता है और यही इतना इसका प्रश्न था। उसके बाद अगला हमारे पास आ गया फोल्डेड डाइपोल। फोल्डेड डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट इसको फीड डायरेक्टली वाई, सेकंड इज कपल्ड इंडक्टिवली इन द एंड। कह रहा है कि इसमें फोल्डेड डाइपोल में पहला में हम डायरेक्ट एलिमेंट में क्या कर दिए, फीड कर दिए किससे, सोर्स से जो हमें सिग्नल था, और दूसरा इससे द्वारा इंडक्टिव भी, इंडक्टिव आप जानते ही हैं रेजिस्टेंसिव नहीं, इंडक्टिवली कनेक्ट होगा दूसरा एरे। इस टाइप के एंटीना को बोलते हैं डाइपोल फील्ड एंटीना। और इसमें रेडिएशन प्रेसिपिटेशन टू स्ट्रेट डाइपोल इनपुट इम्पीडेंस ग्रेटर दिन दी स्ट्रेट डाइपोल। जो हम डाइपोल की बात किए थे हाफ वेव डाइपोल, उससे इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, डबल होती है, या और रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। और एडवांटेज क्या है, हायर इनपुट इम्पीडेंस और ग्रेटर बैंडविड्थ। तो हमने सबसे पहले बात जो किया था शुरू में वो था क्या, हाफ वेव डाइपोल। तो इसकी रेजिस्टेंस की हमने बात किया था, कितना इनपुट इम्पीडेंस होता है, 72 ओम। तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस डबल हो जाएगी, 72 गुना 2, तो
टू दुगुना फोर और 7 दुना 14, तो इसकी इनपुट इंडिपेंडेंस रेजिस्टेंस कितनी होगी, 144 ओम। दूसरी, इसकी रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 4 गुना 72 का, 72 से 4 से आपको गुना करना है यहाँ पे, तो 4 से गुना करेंगे तो इसकी रेडिएशन रेजिस्टेंस 288 ओम आ जाएगी। और कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत डीप में जा रहा है, लेकिन ये प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है कि फोल्डेड डिपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको बताना है 288 ओम। और इसकी बेनिफिट क्या है फोल्डेड डाइपोल का, ये आप याद रखिए, हायर इनपुट इम्पीडेंस हो गया, हायर इनपुट इम्पीडेंस और ग्रेटर बैंडविथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा बैंडविथ हो गया। तो एक प्रश्न, हायर इनपुट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ गया और आपका बैंडविथ बढ़ गया, ये टॉपिक है फोल्डेड डाइपोल का। उसके बाद यागी उडा, सातवें टाइप का यागी उडा एंटीना है, तो इसे बोला जाता है सुपर गेन एंटीना, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये बस टॉपिक है, यही प्रश्न है, सुपर गेन एंटीना। एरे कंसिस्ट वन मोर पैरासिटिक एलिमेंट, ड्राइवेल एलिमेंट हो तो रहता ही है, उसके साथ वन पैरासिटिक यानी कैपेसिटी एलिमेंट लगेगा। ड्राइवेन एलिमेंट हमने किसे बोला था, जिसमें हमने फीड किया था सप्लाई को, और इसके बाद पैरासिटिक यानी कैपेसिटिव टाइप का ये लग जाता है। पहले वाले में हमने बात किया था फोल्टेड डाइपोल में केस का इंडक्टिव का, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कैपेसिटिव का, यानी पैरासिटिक जो होता है वो कैपेसिटिक नेचर का होता है, तो वो जोड़ दिया जाता है। और रिफ्लेक्शन इज वन मोर डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्शन फोल्डर भी इसमें जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पूछा जाता है मॉडरेट गेन, बहुत कम गेन के लिए होती है, जिसकी डायरेक्टिविटी 7 dB होती है गेन की टर्म में, तो ये छोटा एंटीना है, बहुत ज़्यादा बहुत एंटीना नहीं होता है। और किस में यूज होता है ये ध्यान दीजिएगा, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और टेलीविजन रिसीविंग एंटीना, टेलीविजन रेडियो वाले गुस्सा करेंगे, तो टेलीविजन रिसीविंग एंटीना में ये यूज होता है। तो क्या क्या यहाँ पे आपको मिल गया, इसकी गेन मिल गई 7 dB आपको, इसमें पैरासिटिक एलिमेंट होता है, और इस गन एंटीना को क्या बोलते हैं, सुपर गेन एंटीना, सुपर गेन एंटीना। तो ये टॉपिक है यागी उडा का एंटीना, छोटा टॉपिक। उसके बाद पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये भी एंटीना का टाइप है, और ये रिफ्लेक्टर माइक्रोवेव एंटीना फीड में काम लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सारा टॉपिक अलग अलग है, माइक्रोवेव एंटीना के फीड पॉइंट में काम लेते हैं, इसका यूज होता है। इसमें पैरेलल बीम रेडिएशन प्रोड्यूस होता है फोकल पॉइंट से, तो पैरेलल बीम आप याद रखिएगा, बीम बीम क्या होता है, पैरेलल होता है, ये कंसेप्ट है। और इसमें रिफ्लेक्टर जो है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी और सेटेलाइट कम्युनिकेशन, तो पहले माइक्रोवेव हमने बात कर ही लिया था, लेकिन इसमें क्या हो गया, जुड़ गया सेटेलाइट, सेटेलाइट कम्युनिकेशन। और इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो 5000 MHz से ऊपर या GHz में कहें वहाँ तक काम करता है, तो ये आपका होगा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का। उसके बाद हमारे पास नवा टाइप का है लॉन्ग पीरियोडिक एंटीना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें लार्ज फिजिकल अपीयरेंस है, बहुत बड़ा एंटीना होता है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा एंटीना इसे बोलते हैं हम, वेरी लार्ज फिजिकल अपीयरेंस इसे बोलते हैं। और इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ इन टर्म 10:1 के टर्म में बढ़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये लॉन्ग पीरियडिक एंटीना जो हमने बात कर रहे हैं, इसमें लेंथ और डिस्टेंस ऑफ फीड पॉइंट फ्लो में पार्टिकुलर इक्वेशन बहुत दूर दूर होता है, डायरेक्टिव गेन मॉडरेट होता है, रेडिएशन पैटर्न यूनी और बाई डायरेक्शन होता है, तो रेडिएशन पैटर्न नहीं, देखिए ये प्रश्न है रेडिएशन पैटर्न, तो ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ध्यान रखिएगा दो टाइप के इसके रेडिएशन पैटर्न है, 1 और 2, ये आपका है। मेन एडवांटेज इसका क्या है, रेडिएशन रेजिस्टेंस और इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन से, रेडिएशन पैटर्न जो रेडिएशन का पैटर्न होता है रिजोनेंट नॉन रिजोनेंट के टर्म में, वो इनपुट पैटर्न आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन,
फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन से इंडिपेंडेंट होता है और यूज कहाँ किया जाता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। हम बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, किसके तरफ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। हम इससे पहले लो फ्रीक्वेंसी में थे, फिर उसके बाद पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की बात किए, वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या सेटेलाइट कम्युनिकेशन में आया, या कि उल्टा एंटीना भी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में आया। उसके बाद फोल्डेड डाइपोल वगैरह थे, वो नीचे की वाई बाई टू ले वो विलेंथ वगैरह कर रहे थे, वो हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी की बात थी। तो यहाँ वेरी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आ चुके हैं और बैंडविड्थ क्या है, बहुत हाई है। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल इसकी रेडिएशन पैटर्न है और इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन से क्या है, रेडिएशन रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे लूप एंटीना की। तो लूप एंटीना रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, और ये रेक्टेंगुलर क्वाइल होता है, चकोर इसके क्वाइल होते हैं इस एंटीना का, और सर्कुलर लूप में भी ये यूज किया जाता है, यानी दोनों टाइप का। और डायमेंशन क्या होता है, 3 होता है, वेरी स्मॉल होता है। देखिए लूप एंटीना पूछ दिया जाए तो वेरी स्मॉल एंटीना, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शनल आइडेंटिकल डेट इज एलिमेंट डबलेट होता है, एलिमेंट डबलेट ये याद रखिएगा टॉपिक, एलिमेंट डबलेट इस टॉपिक का है काम। और इसमें हम कहते हैं कि रेडिएशन परमेबल पैटर्न रिसीव फ्रॉम डायरेक्टिक फीडिंग एप्लीकेशन। तो इसमें दो ही प्रश्न आ सकता है, बहुत छोटा एंटीना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इसकी पैटर्न होती है ये बस। और ये पैटर्न किसके लिए है, लूप क्वाइल के लिए, लूप क्वाइल का। तो ये 4 टॉपिक, रेडियो फ्रिक्वेंसी, स्मॉल एंटीना और लूप, सर्कुलर और सर्कुलर। उसके बाद डिस्कोन एंटीना, तो डिस्कोन एंटीना का भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये लो गेन एंटीना है, ध्यान दीजिएगा, लो गेन एंटीना बोलते हैं। और सबसे बड़ी प्रश्न डिस्कोन एंटीना का कभी अगर आएगा प्रश्न तो ओमनी डायरेक्शनल, ये अभी आप तक सुने नहीं थे, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और डायरेक्शनल सुने थे, यहाँ पे ये यूनि डायरेक्शनल एंटीना है। तो 2 प्रश्न, लो गेन, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, 2 प्रश्न हो गया। और इसकी शेप कैसा होती है, कोन की जैसा होती है, तो कोन आप जानते ही है, इस टाइप के शेप होती है। और ये हॉर्न एंटीना आएगा, वो भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता होता है, तो इसकी शेप कोन की तरह होती है बढ़ते हुए। और इसकी काम कहाँ कहाँ होती है, किस फ्रीक्वेंसी पे करता है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है। तो ये टॉपिक है, तो प्रश्न 1, 2, 3, 4 और कोन, तो ये 5 प्रश्न इस डिस्कोन एंटीना से। उसके बाद हमारे पास हॉर्न एंटीना है, हॉर्न एंटीना भी हाईली डायरेक्टली एंटीना है, तो ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं, हाईली डायरेक्टिव एंटीना है, ये आप याद रखिएगा। बैंडविड्थ कितना होता है, हाई होता है, हाई बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है इसका भी, और गेन भी ज़्यादा होता है, गेन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वेरी लेस नॉइजी, बहुत कम साउंड करता है, लोस वेरी लेस नॉइज, बहुत कम करता है। और इसका यूज किया जाता है सेटेलाइट ट्रैकिंग में, सेटेलाइट ट्रैकिंग, तो जितने भी ये ट्रैकिंग वगैरह आ जाए, नेविगेशन वाला आते हैं, उस टाइप के एंटीना को याद रखिएगा, डायरेक्टिव एंटीना होता है। और डायरेक्टिव एंटीना ऐसा होता है कि एक ही डायरेक्शन में सारा बीम छोड़ता है हाई फ्रीक्वेंसी में, जिसके कारण से इसका अच्छा कंटिन्यूटी बनता है। और इसको वेव गाइड से भी जोड़ा जा सकता है इस फ्रीक्वेंसी में, ये उसका जोड़ने का कपलर का भी काम करता है। तो क्या हो गया, बहुत हाई गेन, बहुत हाई बैंडविड्थ, डायरेक्टिव, लेस नॉइजी, सेटेलाइट कम्युनिकेशन और वेव गाइड कपलर के रूप में यूज होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक यहाँ से, और इसके कैलकुलेशन करके आपका आएगा। उसके बाद अंतिम टाइप का एंटीना हमारे पास हेलिकल, तो हेलिकुलर एंटीना जब भी आदे आए ना, तो आप ऐसे गोल घेर लेना आप, इसे सर्कुलर पोलराइजेशन एंटीना बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर पोलराइजेशन एंटीना।
और हेलिकल एंटीना किस पे काम करता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, प्रोब कम्युनिकेशन और रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो टेलीमेट्री। तो यही टॉपिक था। तो हमने 14 टाइप के एंटीना का बात कर लिया, एंटीना का बेसिक कर लिया, और कुछ लोग यहाँ सवाल उठाए गए कि आपने इसमें बताया क्या। तो बताने के लिए, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, याद करना है आपको कि किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या याद करना है, पूरे एंटीना के चैप्टर में आपको याद कर लेना है, इनपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जो भी दिया हुआ रहेगा आपको, बैंडविड्थ किसका क्या होता है उसके बारे में याद करना है, एरे का फंक्शन क्या होता है वही याद करना है, पोलराइजेशन का पैटर्न क्या है सर्कुलर, तो पोलराइजेशन को हम आगे इसमें थोड़ी सी और बात कर लेंगे, तो पोलराइजेशन का पैटर्न आपको याद कर लेना है, और गेन क्या होता है वो आपको याद करना है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम आता है ये याद करना है, और डायरेक्शनल क्या है, डायरेक्शनल में जैसे पोलराइजेशन की हमने बात किया था तो इसमें आता है यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सर्कुलर और ओमनी डायरेक्शनल। तो ओमनी डायरेक्शनल अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोई भी एंटीना पूछ दिया जाए कि ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है, तो एक ही एंटीना होता है वो क्या होता है, डिस्कोन होता है। सर्कुलर पोलराइजेशन वो जिस के लिए पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे, हेलिकल एंटीना होता है, और डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल तीनों का अलग अलग होता है, लेकिन डायरेक्शनल एंटीना उसमें वो यूज होता है जिसका नेविगेशन से रिलेटेड है, यानी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन टाइप के कम्युनिकेशन जो भी होता है, जैसे सेटेलाइट ट्रैकिंग, आपका रडार सिस्टम जितने भी होते हैं उसमें आपका यूनिडायरेक्शनल टाइप के एंटीना का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं इसकी यूनिडायरेक्शनल को डायरेक्टिव एंटीना को, और कुछ डायरेक्टिव एंटीना कहते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल आपको किसी के लिए भी काम आता है, और नेबिला यहाँ पे हम कह रहे थे नेविगेशन पर्पज से वो डायरेक्शनल एंटीना है, इसमें मैं लिख नहीं पाया था, इसको मैं कलर चेंज करके एक बार यहाँ रख दूँ। तो यहाँ डायरेक्शनल एंटीना जितने भी होते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन और रडार के लिए यूज होता है, और रडार में फ्रीक्वेंसी पूछ जाए जाए तो लो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं यूज होता है, तो जैसे ही लो फ्रीक्वेंसी दिखे काट दीजिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी दिखे काट दीजिएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दिखे ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दिखे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको लेना होता है तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी लेना है। तो ये था हमारा एंटीना, और एंटीना में हमने 14 टाइप के एंटीना छोटे छोटे बात किया था, और कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ से कितने प्रश्न है, तो हमने जो भी पॉसिबिलिटी था वो सारे प्रश्न को छोटे छोटे टर्म में करके आपको बता दिया कि इस टाइप से टॉपिक था, ये पैटर्न था, ये सिग्नल किस पे काम करता है, कन्वर्सन किस पे काम करता है, एंटीना है क्या, ट्रांसमिशन रिसेप्शन कन्वर्सन हो सकता है क्या, और उसके बाद हमने बात किया इसमें टर्म का और टाइप का। तो ये ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक का एंटीना चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगर बात करेंगे एमसीक्यू तो टाइम बचा तो इसके बारे में एमसीक्यू आएंगे, लेकिन एमसीक्यू आपको डायरेक्ट इसी प्रश्न को जो मैंने बोला डायरेक्टिव वगैरह उसी को लिख के बदल के आपको बता दिया जाएगा, और टॉप लोडिंग आप याद जरूर रखिएगा, टॉप लोडिंग से प्रश्न आ जाता है और एंटीना के टाइप से प्रश्न आता है। थैंक यू, धन्यवाद।